हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल में। आई होप आपने लास्ट व्लॉग काफ़ी इंजॉय किया होगा। सो ये है हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप ये भी व्लॉग अच्छे से इंजॉय करोगे। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ, मैं अभी नहा के रेडी हुई हूँ। फर्स्ट बात तो ये है कि मेरा नहाने का टाइम मोस्टली शाम का ही होता है। अभी मैं बस जस्ट नहा के ही आई हूँ, और पर आज जो जगा रहे हैं मिस्टर बजाज, दिखाती हूँ मैं आपको। मिस्टर बजाज अच्छे से जो जगा रहे हैं। सो गाइस, मिस्टर बाजार ने जो जगा ली है, और अब हम जा रहे हैं नीचे। हमारा दूध हो गया है ख़त्म, और हम नीचे से दूध का पैकेट लेने जा रहे हैं। सो मिलते हैं आपसे बाद में, और फिर करते हैं ढेर सारी बातें। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो चुकी है, मैं जस्ट अभी उठी हूँ, शायद 10:15 हो गए हैं। गाइस, आज लेट इसलिए उठे, रात को इतनी दिक्कत आई। हमने अभी इन्वर्टर का कनेक्शन लिया नहीं था, इन्वर्टर लगाया ही नहीं अभी, और कल रात को लाइट गई 10 बजे। खाना भी अंधेरे में खाया है, कभी आ जाती थी कभी चली जाती थी, और ऐसे करते करते ही 3 बज गए रात के। मुझे तो लाइट के बिना बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, तो 3 बजे लाइट आई है, उसके बाद सोई हूँ। इसीलिए सुबह मैंने कहा सोए रहें, कोई ज़्यादा काम तो है नहीं था ज़रूरी जो अर्जेंट हो, तो हम सोए हुए थे अभी तक। तो मैं उठी हूँ, मिस्टर बजाज भी उठ गए हैं, और अभी बनाती हूँ मैं चाय और ब्रेकफास्ट, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, तब तक के लिए इंजॉय करें। सो गाइस, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, और मैं भी काफ़ी टाइम से फ्री हो गई हूँ। और मिस्टर बजाज बोल रहे थे आज मेरे साथ मूवी देखो, तो मैं आज इनके साथ मूवी देखने लगी हूँ। 2016 में आई थी जो रॉकस्टार, वो मूवी देखने लगते हैं, आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, 2.5 घंटे की मूवी थी, हमने सारी मूवी देख ली है। मूवी काफ़ी अच्छी थी, रणबीर कपूर की एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी स्टार्टिंग में। काफ़ी अच्छी लगी मूवी, और 3 घंटे का टाइम भी अच्छे से स्पेंड हो गया। सो गाइस, मैं अभी नहा के आई हूँ, जस्ट रेडी हुई हूँ। आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने नहा लिया अभी। शाम को दोबारा नहाऊंगी, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है अब तो। सो गाइस, हमें लग रही थी भूख, क्योंकि हमने सुबह भी चाय के साथ 2 ब्रेड खाए थे, और मिस्टर बजाज को रोटी खानी ना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए अब भी भूख लग रही थी। अब फिर हमने चाय के साथ ब्रेड गर्म करके खा लिए। गाइस, ये देखिए, मिस्टर बजाज ने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, कहते ये मेरे फेवरेट है पुराना साल्टर चिप्स। मैंने तो आज फर्स्ट टाइम खाए हैं, और ये बोल रहे थे जब मैं पहले गुड़गांव रहता था सारा दिन यही खाता था, कहते मेरे फेवरेट है, इनके फेवरेट है ये। फिर मैंने भी टेस्ट किया, अच्छे हैं काफ़ी, आप भी ट्राई करना ज़रूर, इनके तो फेवरेट है। 2 डब्बे मंगाए हैं, 3 सॉरी, और एक डब्बा अपने पास रख के बैठे हुए हैं, दिखाती हूँ मैं वो भी आपको, कितने मज़े से खा रहे हैं। थोड़ी देर बाद 1-2 पीस निकाल के खा लेते हैं। सो गाइस, देख सकते हो कैसे खा रहे हैं मिस्टर बजाज, मज़े से स्वाद ले लेके खा रहे हैं। पता नहीं यार, इतना खाते हैं
रोटी रोटी तो टच नहीं करते बिल्कुल भी, बस क्या हुआ दिन में 2 या 3 रोटियां खाते हैं हम भी मुश्किल से। रोटी खाने का तो इनका मन ही नहीं करता, तो सुबह से भी नहीं खाई है और अपने साथ मुझे भी नहीं खाने दी, बस ब्रेड खाया है सुबह भी शाम को भी, बस ये खा रहे हैं आज या फिर टैंग पीते हैं सारा दिन। थोड़ी देर बाद ही बोलेंगे मुझे टैंग पीना है, मुझे भूख लग रही है। भूख थोड़ी मिटेगी टैंग से, तो खाने से ही मिटेगी, बस खाते हैं ये पैकेट वगैरह और कुछ नहीं खाते हैं, बस ऐसे चलते हैं इनका सारा दिन ही। ये देखिए टैंग इनका है फेवरेट, पूरी बोतल फिल कर लेते हैं, कल से गर्मी ज़्यादा है और कल से बोतल पूरी फिल कर लेते हैं, उसको धीरे 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 पीते रहते हैं। और ये देखो चाय के साथ ना तो इन्होंने बिस्कुट खाना है ना कोई रस वगैरह खाना है, ये सारा सामान चाय के साथ खाते हैं टैंक को छोड़ के। ये सारे भुजिया खाते हैं और ये मैड एंगल खाते हैं, बिस्कुट तो टच भी नहीं करते कोई भी, कोई चाहे कर ले जो अच्छा लगे वो खाते हैं, लिटिल हर्ट्स हार्ट वाले बिस्कुट छोटे छोटे बस, और कोई बिस्कुट नहीं खाने, बस यही कुछ खाते हैं, ये पैकेट ही खाते हैं चाय के साथ। यार पता नहीं इनका खाया पिया जाता भी कहाँ है, इनको बिल्कुल नहीं लगता। मैं तो ये एक दो चिप्स खा लूँ ना वो भी मुझे लग जाएंगे, मुझे तो पानी भी लगता है, ये इतना खाते हैं सारा दिन इनको पता नहीं क्यों नहीं लगता। बनाना शेक वगैरह भी पी के देख लिया इन्होंने, मोटे होने का नाम ही नहीं है इनका, सारा खाया पिया मुझे लगता, मुझे ही लग रहा है सारा कुछ। आज तो गाइस वैसे सारा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया, क्योंकि रात को लाइट की वजह से लेट सोए थे और लेट ही उठे थे, 10:30 उठे हैं हम, और बस फिर सारा काम वगैरह करके ब्रेकफास्ट करके हमने मूवी लगा ली और मूवी देखते रहे 2.5-3 घंटे की थी वो, बस ऐसे ही सारा टाइम निकल गया। और फिर अब फिर चाय वगैरह पी ली, बस फिर इनके ये ऑर्डर आ गए, ये खोल के देखने लग गए हम। आज का दिन अच्छा था, अच्छे से टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला कब टाइम निकल गया सारा। सो गाइस आप बताओ आपका दिन कैसे रहा आज का, मेरा तो अच्छा रहा, मूवी भी काफ़ी अच्छी थी, इंटरेस्टेड थी, अच्छी लगी मूवी। सो एक और बात है, आज बुआ जी की प्रिंसेस का बर्थडे था, 3 बेबी डॉल्स हैं उनकी और 2 ट्विंस हैं, उनका बर्थडे है आज। नव्या के बर्थडे पे हम गए थे, अच्छा हुआ उस टाइम हमने 3 बेबी डॉल्स वाले केक बनवा लिए थे, ऑर्डर कर दिए थे और तीनों का केक कट कराए थे, अकेले नव्या का बर्थडे था तो अच्छा हुआ हमने उस टाइम ही तीनों का केक कट कर लिया, क्योंकि आज तो हम जा नहीं पाए, हम उनको काफ़ी मिस कर रहे हैं, क्योंकि आज वो तो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं पर हम जा नहीं पाए। आज अनवी और आस्ती का बर्थडे है, गिफ्ट भिजवा दिया था इन्होंने, पहले ही ऑर्डर कर दिया था गिफ्ट तो वो उनको भिजवा दिया, क्योंकि आपको भी पता है बच्चों को शौक ही यही होता है कि हमें अपने बर्थडे पे गिफ्ट्स मिलेंगे, या सेलिब्रेशन का शौक होता है और उनको भी ज़्यादा यही शौक है कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करें, इंजॉय करें, उनको ज़्यादा इंजॉय का शौक है। सुबह तो मैंने कॉल की थी, वो तीनों स्कूल गए हुए थे और फिर मैंने कॉल की, फिर उनको विश की और बुआ जी और अंकल को तो सुबह ही बधाई दे दी थी बेबी डॉल्स के बर्थडे की। सो मैं दिखाती हूँ आपको कौन है नव्या, अनवी, आस्ती, आप देख लीजिए वीडियो में आपको पता चल जाएगा। कल दिखाऊंगी इनके बर्थडे की आपको सेलिब्रेशन की पिक्स या वीडियो जो भी हुआ मेरे पास, कल दिखाऊंगी आपको, और हम भी काफ़ी मिस कर रहे हैं। सो गाइस आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहा करो, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो थैंक यू गाइज, आज ये व्लॉग इन्जॉय करो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में,
बाय बाय, टेक केयर।